तीसरा पॉजिटिव मरीज सामने आया है। 28 फरवरी को दुबई से जयपुर लौटे 85 साल के एक शख्स में पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है, कोरोना की पुष्टि पाई गई है और प्रदेश में विदेशी दंपति जो इटालियन कपल था उसके बाद अब यह तीसरा मामला ऐसा सामने आया है। पीड़ित मरीज जयपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। स्पाइस जेट फ्लाइट से वो जयपुर लौटा और अब उसी फ्लाइट में उसके साथ में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से संपर्क किया जा रहा है। भारत में धीरे धीरे पैर पसार रहा है कोरोना। हर दिन भारत में कोरोना के नए मामले। विदेश यात्रा से लौटे भारतीयों में कोरोना के नए मामले, लेकिन सरकार सतर्क, नागरिक भी रहे कोरोना से सतर्क। कोरोना को रोकने की हर संभव कोशिश हो रही है, लेकिन रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के 50 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। 50 में से 34 भारतीय हैं और 16 इटली के नागरिक शामिल हैं। केरल में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना के कुल 12 मरीज अब तक हो गए हैं। बेंगलुरु में भी 4 और पुणे में 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। भारत में कोरोना से संक्रमित ज्यादातर वो लोग हैं जो विदेश यात्रा से लौटे हैं। बेंगलुरु से 3 पॉजिटिव मामलों की रिपोर्ट मिली है जो दुबई होते हुए अमेरिका से आने वाले पति पत्नी और उनका बच्चा है। पुणे से 2 पॉजिटिव मामले मिले हैं, ये लोग भी दुबई से वापस लौट कर आए थे, पति और पत्नी। और 1 पॉजिटिव मामला फिर बेंगलुरु से मिला है जो हीथ्रो होते हुए अमेरिका से आए थे। दिल्ली सरकार ने होली के दिन वायरस से प्रभावित देशों से आए 3,534 यात्रियों की जांच एक ही दिन में की। दक्षिण पूर्व दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति में लेह में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा से मना किया है। साथ ही यह भी कहा है कि कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्री खुद की सेल्फ मॉनिटरिंग करें। सरकार की सलाह के मुताबिक चीन, हांगकांग, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आए यात्री 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग के जरिए खुद को क्वारंटाइन करें। इटली और दक्षिण कोरिया से